सबको गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियरिटी है ना बराबर? अच्छा, मजा आ जाएगा। मेरा परिचय याकूब उपाध्याय, और आज मैं आपसे जो बातें करूंगा, आपके जिंदगी में ऐसा सुनहरे अक्षर से आप लिख सकते हैं कि ऐतिहासिक घड़ेगा आपकी जिंदगी में, अगर आप सीरियसली मेरे बातों को सुनते हैं तो। मैं यहाँ से डेढ़ घंटा बात करूंगा, और डेढ़ घंटे में आपके दिलो दिमाग पर छाने की जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है, और उस पर मैं पूरा उतरने का कोशिश करूंगा। बहुत सारी नॉलेज है मुझे, मैं यहाँ से 6 घंटा मिनिमम आपको मतलब डायलॉग डिलीवरी या प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, 6 घंटा मिनिमम। तो उसके जगह पे मुझे 1.5 घंटा 1.75 घंटे में मुझे ये सारे प्रोग्राम को ख़त्म करना है। आज का जो सेशन है हमारा हेल्थ का सेमिनार है, और मुझे इसमें इंटरेस्ट है, हेल्थ में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरे इंटरेस्ट का ये सब्जेक्ट है। कोई भी काम करो जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए या होना चाहिए, आपको वो अच्छा लगना चाहिए, वो काम लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, मतलब जबरदस्ती अगर कोई काम आपको थोपेंगे जो आप जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता है, वो काम आप करेंगे नहीं करेंगे। तो मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि अगर मैं ये काम करता हूं तो समाज के बहुत सारे लोगों का अच्छा हो सकता है, लोगों का फला बहबूदी के लिए, लोगों का वेलफेयर के लिए, लोगों का सक्सेस के लिए ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। ये मेरा पैशन है, मैं इसमें काम करता हूं। पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा तो आ जाता है, मेहनत कहीं भी करो तो पैसा आ जाता है। मेरे फैमिली में सब लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, और मतलब जो मैक्सिमम सैलरी इंजॉय करते हैं ऐसा सैलरी मैं खुद भी इंजॉय करता हूं, मेरे फैमिली हर एक आदमी इंजॉय करता है। तो पैसे के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ इसलिए आया कि मुझे जीने में इंटरेस्ट है, निरोगी जीने में इंटरेस्ट है, हेल्दी जीने में इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूं कि मैं यंग रहूं और दीर्घायुष्य मुझे मिले, मेरी उम्र दराज हो। लेकिन मेरे खाली चाहने से होगा क्या कुछ? नहीं, तो कुछ ना कुछ उसके लिए इनपुट जरूरी है। ये जो जिंदगी हमको मिली है, जिंदगी कितनी है मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह ने मुझे हर चीज से नवाजा, उसका बड़ा रहमो करम है। मैं अगर अल्लाह कहता हूं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में आप गॉड कहिए, आप ईश्वर कहिए, एक सेकंड के लिए आप मनी मन में उसको याद कीजिए, जो भी आपकी मान्यता है वो हिसाब से, क्योंकि ईश्वर ने अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया मुझे सुनने के लिए, मुझे लायक बनाया कि मैं आपके सामने कुछ बातें करूं। तो ये हेल्थ का सेशन है, हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ के साथ में वेल्थ भी बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, अगर मेरी हेल्थ बराबर नहीं है, पूरा घर भर के एक कमरे में पैसा पड़ा है और मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे मी साखर कारखाने का मालक है, पर चिमूट भर साखर पण खाऊ शकत नहीं, चलेल का? नहीं चलना। मुझे हेल्थ और वेल्थ दोनों हमको चाहिए। तो आज का प्रेजेंटेशन में ये जो प्रेजेंट आज जो वक्त जो चल रहा है उसको समझना, वक्त की कदर करना चाहिए। कितने लोग को लगता है वक्त की कदर करना चाहिए? जो आज हमको मिला है ना, जो प्रेजेंट जो है उसकी बातें करने का, आप कहां से आए हैं, आप क्या करते हैं, आपकी जाति कौन सी है, आप कहां रहते हैं, आपने बहुत कुछ किया, वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यहां से आप कहां जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, फ्यूचर में आपके क्या ड्रीम्स है, आपके क्या सपने हैं, वो सपने आपके फ्यूचर क्या है वो बहुत मायने रखता है। कहते हैं कि वर्तमान के कोख से भविष्य का निर्माण होता है। आज जो मैं जो भी हूं वो मेरा पास की वजह से हूं, तो मैं पास को ज्यादा याद नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा चाहता हूं, बेहतरीन जिंदगी फ्यूचर की चाहता हूं, उसके लिए मेरा आज जो है प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 1.5 घंटा हम आपसे इंटरेक्शन में जो करूंगा, उसमें आप सभी लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप मेरे साथ में रहेंगे। आप सभी लोगों के पास मोबाइल है तो उसको प्लीज स्विच ऑफ कर दो। खाली 2 कंडीशन में आपको रखना है कि अगर इधर कैलाश लस्सी के पास में अगर कोई आपका 1 करोड़ या 1-2 लाख 2-4-5 लाख का चेक लेके आने वाला है, और दादर से वो ट्रेन पकड़ने वाला है ना, अगर उसकी ट्रेन जाने वाली है, अगर वहां आप चेक नहीं कलेक्ट करेंगे तो वो ट्रेन बैठ के निकल जाएगा, ऐसा कुछ है तो आप मोबाइल ऑन रख सकते हैं। नई नई शादी किसी की हुई है, साल भर हुआ है, और डिलीवरी का कुछ मैसेज आने वाला है ना, और हम लोगों को आप पेड़ा देने वाले रहेंगे, तो आप जरूर मोबाइल ऑन रखिए, अदरवाइज सब लोगों ने मोबाइल को ऑफ करना है। तो मैं यहां चाहता हूं, घड़ी किसके हाथ पे, किसके हाथ पे घड़ी है?
अच्छी घड़ी किसके हाथ पे है, तो आधा घंटा होने के बाद में आप मुझे एक फिंगर दिखा देना, क्योंकि डेढ़ घंटे का मेरा टाइम है, मैं यहां से मैं शुरुआत करता हूं और जैसे ही एक आधा घंटा हो जाएगा मुझे सिग्नल देना ताकि मैं डेढ़ घंटे में ये प्रोग्राम को समाप्त कर सकूं। तो मैंने आपको कहा कि वर्तमान के कोख से भविष्य का जन्म होता है। जिस व्यक्ति का वर्तमान ठीक नहीं है, प्रेजेंट में अगर वो कुछ करता नहीं है, तो डेफिनेटली और गारंटेड उसका फ्यूचर भी अच्छा नहीं हो सकता है। और आज इस वक्त जो समय है उसको आपको ध्यान रखना है, जो समय आज डेढ़ घंटा दे रहे तो पूरा ओपन माइंड से आपको मुझे सुनना है। एक शेर से शुरुआत करते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बराबर है कि नहीं? तो हमको जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है, और अगर आप विश्वास करते हैं कि जिंदगी दोबारा मिलेगी भी, तो वो इंसान का जन्म होगा या जानवर का जन्म होगा, वो कौन सा जन्म होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इंसान हूं तो अपनी जिंदगी को मैं एंजॉय करना चाहता हूं। तो आप भी मेरे साथ हैं? ओके सर। तो अब आज का टॉपिक क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट है। ये यहां पर बैठ के आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको समझ रहा हूं। जब तक अंडरस्टैंडिंग है तो आप फैमिली में रहिए, घर में रहिए, सोशल लाइफ रहिए, आपका ऑफिस में रहिए, आप कहीं भी रहिए, लेकिन आपका अंडरस्टैंड करने का अगर एबिलिटी बराबर नहीं है तो जमने वाला नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट है। अंडरस्टैंड आपको ये करना है, सबसे पहला आप इलनेस से वेलनेस की तरफ कैसे जा सकते हैं, इलनेस से वेलनेस की तरफ कैसा जा सकते हैं। सेकेंड चीज, आपको बेटर हेल्थ 100% तो किसी का भी नहीं है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपको बेटर हेल्थ है तो उसको आप मेंटेन कैसा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अब अगर फाइनेंशियली आप पुअर है, गरीब है, तो आप अमीर कैसा बन सकते हैं। हर एक आदमी सोचता है ना अमीर बनना है ना, तो वो कैसा बन सकते हैं। एक एक इंसान का 360 डिग्री के ऊपर पूरा एंटायर वो आदमी का अंदर परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसकी जीवन शैली चेंज हो सकती है, उसके अंदर पूरा पूरा परिवर्तन हो सकता है। ऐसा कंसेप्ट है, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं जो जो स्लाइड आपको चेंज करूंगा उसमें आपको इंटरेस्ट आपको आएगा, जो जो मेरे हर स्लाइड के ऊपर मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलनेस जो होती है वो डज नॉट डिस्क्राइब, मतभेद नहीं करती है कि एक गरीब आदमी है उसको बीमारी नहीं होगी और एक अमीर आदमी है तो उसको बीमारी नहीं होगी, ऐसा कोई मतभेद है क्या? किसी को भी किसी तरह की भी बीमारी हो सकती है। अभी आज का तारीख में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन बोलो, हॉस्पिटल बोलो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बोलो, और ये सब जो है ना एकदम एडवांस हो चुके हैं, लेकिन हेल्थ का सिनेरियो कैसा है, ये हेल्थ कैसा, हेल्थ कैसा है लोगों का? तो हेल्थ जो है वो पुअर हेल्थ है। इंडिया में बहुत सारे लोग अभी क्या हो गया, बीमारियां बढ़ते जा रही है, पुअर हेल्थ मिलते जा रहा है लोगों को, है ना, उसके बदले में, और साथ में थकेले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो मैं तो नहीं चाहता हूं कि मैं थकेला दिखूं और घर पे निकलने के टाइम में अगर उत्साह लेके निकलता हूं और घर में जाने के टाइम में एकदम थक के मैं जाऊं, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूं, और ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता। ऐसा मैं अगर 10 बजे भी जाऊंगा, रात को 11 बजे भी जाऊंगा, तो ऐसा थकेला होकर कभी नहीं जाता हूं। तो हेल्थ के साथ में ये जो बंदा है, एक जोरदार तालियों के साथ में, यहां पर इंडिया में यहां पर ज्यादा बीमारियां फैल रही है, बीमारियों का शिकार जो लोग ज्यादा हो रहे हैं, थकेले लोगों की संख्या ज्यादा होती जा रही है, ऐसे में विश्व क्रांति करके डॉक्टर लिम ने आज से 25 साल पहले इस यहां पर पूरा वर्ल्ड को हेल्दी बनाने का उन्होंने कमिटमेंट किया, और इस मिशन के अंदर हम सब शामिल हैं। हेल्दी इंडिया बनाना है और उसकी स्किल्स को लोगों को सिखाना है। अच्छी बात है कि नहीं? तो अब हेल्दी बनने के बलि इनका क्या चाहते हैं, ये कंपनी ये चाहती है कि आप बेटर हेल्थ फिटनेस आप एंजॉय करें, साथ में बेटर लाइफस्टाइल आपको मिलना चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए, खुशियों के झोली में आप झूलते रहना चाहिए, और साथ में अच्छी इनकम मिलना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए आपके पास में। क्या लगता है ये सब टॉपिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सभी लोगों को ये सब चीज होना चाहिए, ये कंपनी का मिशन है, और इस मिशन में हम कुछ बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स हैं, बहुत सारे वक्ता हैं जो यहाँ पर आके प्रेजेंट करके लोगों को हम स्किलिंग करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि कैसा आप बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। अभी डिसीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेटर हेल्थ एंजॉय करना है, अगर आपको बॉडी का फिजिकल फिटनेस एंजॉय करना है, तो सबसे पहला डिसीज क्यों होती है, कैसी होती है, कौन कौन सी होती है, क्या चल रहा है सिनेरियो, ये समझना बहुत
जरूरी है। तो डिसीज अगर देखेंगे तो पूरा दुनिया में 2/3 लोग अगर आप देखेंगे तो जिनका डेथ होता है तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। देखो बीमारी आपको बोल के नहीं आती है, किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है लास्ट स्टेज पे मालूम पड़ जाता है कि कैंसर हो गया। अगर 2016 में अगर मुझे डिटेक्ट 2018 में अगर डिटेक्ट होता है कैंसर तो 2008 में मेरे शरीर में उसका वायरस आ चुका था 10 साल पहले, और मुझे मालूम कब पड़ा 10 साल के बाद होने के बाद, है ना। तो ये कुछ ऐसे चार बीमारियां हैं जो एकदम स्प्रेड हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल है, आपको बोल के नहीं आएगी, और 2/3 डेथ भी हो गई और रेपिडली इंक्रीजिंग, है ना। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, सबसे पहला डायबिटीज, दूसरा बीमारी है हार्ट से रिलेटेड, किसी को कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, एक अटैक में जिंदगी टाइम दिया, नसीब मेरा अच्छा है ना, तो मैं बच सकता हूं नहीं तो जा सकता हूं, है ना, ये होता है। तीसरा जो है कैंसर के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। चौथा जो है लंग्स के प्रॉब्लम, लंग्स के रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, ये चार बीमारियां रेपिडली स्प्रेडिंग। मैंने पिछले 10 साल से जो लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया, लोगों से बात किया, तो लोगों से बात करने के बाद में लोगों से मुझे जो फीडबैक मिला उसमें मैंने बहुत सारी और भी बीमारियों को देखा। उसमें से एक बीमारी है किडनी के प्रॉब्लम्स को लोग ज्यादा फेस कर रहे हैं, दूसरा बात है लीवर के डिसीज लोगों को ज्यादा फेस कर रहे हैं, और तीसरा है अर्थराइटिस का प्रॉब्लम लोगों का, सांधिवात का बोलते गठिया बोलते हैं, ज्वाइंट्स पेन पकड़ लिया है, ये सब प्रॉब्लम्स लोग मुझे बताते हैं कि भाई ये भी माम को प्रॉब्लम है करके। उसके बाद में रातों को नींद नहीं आना, बहुत सारे लोग रात को सो नहीं पाते हैं। तो हम लोग जब इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग हमको बोलते हैं कि सर रातों को नींद ही नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके बाद में थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा चल रहा है, बहुत सारे ऐसे अभी जब बात करते हैं तो लोग बताते हैं थायराइड का प्रॉब्लम है, आपके पास में कुछ है क्या कुछ, और अनहैप्पी लोग बहुत ज्यादा हैं, किसी के भी चेहरे के ऊपर ऐसा खुशी नहीं दिखती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो 1.5 घंटा आप मुझे सुन रहे हैं उसमें मैं हर एक आदमी को थोड़ा अगर मैं एक ग्लांस में देखूं तो जिसके भी चेहरे के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा स्माइल जरूर रखना, है ना। तो आप स्माइल रखेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में क्या होगा, थोड़ी खुशी स्प्रेड करेंगे हम लोग, है ना, करेंगे। तो जरा 2 घंटे के लिए आप खुश रहिए एकदम। उसके बाद में ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, आज ओबेसिटी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लोगों का फिगर देखो कैसा होना चाहिए और कैसा दिखता है, हमें तो देख के भी मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन भाई शरीर तो तुम्हारा है तो मैं क्या करूं, मुझे देख के दुख तो होता है, ऐसा किसी का देखेंगे तो ऐसा देखेंगे, ओबेसिटी देखता हूं तो बहुत दुख होता है मुझे, मन ही मन में बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करेंगे, सामने वाला को समझना चाहिए ना, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा जो है स्किन से प्रॉब्लम बहुत है, खाज खुजली इन्फेक्शन सोराइसिस का प्रॉब्लम है ना, ये सब प्रॉब्लम्स भी बहुत चल रहे हैं, लोगों को शर्म आती है डॉक्टर के पास जाके बोलने के लिए, बताने के लिए भी हम लोग को शर्म आती है कि मेरे को ऐसा हुआ ये हुआ है, लेकिन फिर भी बताते हैं लोग, है ना, सारे प्रॉब्लम्स है। लाइफ जो है ना स्ट्रेसफुल लिखती है लोगों की, तनाव भरी जिंदगी लोग जीते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ये सारे लोग जो इस तरह से फेस कर रहे हैं। और लोगों का जो एनर्जी है वो जीरो बैलेंस एनर्जी, अगर मोबाइल आपके हाथ में है तो आधा दिन ही चल रहा है, एंड्रॉइड उसमें डाला है तो आधा दिन के बाद में बैटरी उतर जाता है, ऐसा लोगों का भी वैसे ही हो गया है। 12-1 बच्चा था दोपहर के सेशन में लोग झपकी लगाने को शुरू करते हैं, तो आप लोग तो बहुत यहाँ पर बैठे हैं, है ना, तो झपकी नहीं लगेगी डेफिनेटली, मैं कुछ अच्छी बातें करूंगा तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन वीकनेस बहुत है लोगों के पास में, टायर्ड है तो टोटल एकदम थकेले आदमी दिखते हैं। उसके अलावा अब ये सब जो मैंने बताया, ये मैंने इंटरेक्शन किया लोगों से, तो लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, बताइए सर इसके लिए क्या कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो हमारा जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, इसको ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे जिंदगी का जो ग्राफ है उसको समझना बहुत जरूरी है, हम जो जिंदगी जीते हैं उसका ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। तो ग्राफ कैसा रहता है, ये जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया हूं, ये यहां पर एवरेज लाइफ जो राइट कॉर्नर पे लिखा है 120 साल की जिंदगी, तो 120 साल की जिंदगी लोग जीते थे तो नहीं थे, जीते थे ना, आपने भी सुना हमारे पूर्वज दादा अजोबा सब 120 साल की जिंदगी जीते थे, उनको प्रॉब्लम नहीं था ऐसा नहीं था, उनको प्रॉब्लम नहीं था ऐसा नहीं था, उनका प्रॉब्लम सिर्फ 10% था और हमारा प्रॉब्लम है वो ज्यादा है। अब ये प्रॉब्लम क्या होता है, यहां से वर्टिकल लाइन में मैंने 10-100% जो लिखा हूं, ये शरीर के अंदर होने वाला लोचा, जो भी प्रॉब्लम शरीर जो फेस करता है उसका परसेंटेज लेवल है, और हॉरिजॉन्टल में इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स लिखे हुए हैं। तो यहां पर क्या होता है कि किसी को लाइफ जो है वो 65 इयर्स मिलती है,
क्योंकि इंडिया का एवरेज लाइफ है 60-65 साल का एवरेज लाइफ है। आज जब ये बात मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि घर बसाते बसाते ही 50 साल कब निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है, और अगर एवरेज लाइफ अगर मालूम पड़ा कि 60-65 है तो दुख होगा ना, मुझे तो बड़ा चुभता है ये बात। तो मैं सोचता हूं कि पहले के जमाने के लोग जो थे वो 80 साल 100 साल जीते थे, तो मैं भी 100 साल जीना चाहिए, ऐसी मैं ऊपर वाले से अल्लाह से दुआ करता हूं। खाली दुआ करके चलेगा क्या? नहीं। तो आज सीखते हैं सब बातें को। अब ये जो परसेंटेज का लेवल है, ये परसेंटेज का लेवल जो होता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? सबसे पहला शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का लोड, हमारे शरीर में जितने भी कचरे का लोड होता है वो लोड का कितना परसेंटेज आपके शरीर में है। एक मैं इसको और क्लियर करूंगा ज्यादा, मतलब टॉक्सिन्स किसको बोलते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो सब आप देखेंगे। सेकेंड चीज होती है हमारा स्ट्रेस लेवल, आप स्ट्रेस लेवल कितना लेते हैं। अगर आप तनाव भरी जिंदगी जीते तो उसका परसेंटेज लेवल कितना है, दिन भर तनाव लेते हैं कि 24 घंटा लेते हैं, है ना। सेकेंड चीज, थर्ड चीज होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कैसा होता है कि ग्रेजुएट आदमी ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है, उसके साथ का आदमी जो है उसको 50,000 का नौकरी मिलता है और ये बंदा 10,000 का नौकरी ढूंढता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर मेरा बेटा भी अगर समझो उसको अगर वो भी ग्रेजुएट है, बाजू वाला भी ग्रेजुएट है, उसको अगर 50,000 का नौकरी मिला, मेरे बेटे को 20,000 का मिला, चलेगा? तो एजुकेशन सेक्टर में हम लोग देखो फ्रस्ट्रेशन कैसा भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी में हो सकता है, बच्चों के आस बच्चों का अपना फ्रस्ट्रेशन रहता है, बॉस का और एम्प्लॉय का फ्रस्ट्रेशन रहता है अलग अलग, या किसी के प्यार में अगर कोई मोहब्बत में अगर कोई आया होगा तो उसमें भी प्रश्न होता है, छोड़ के चली गई भाई मेरे मुझे, है ना, मैं तो उसको एक तरफा बहुत चाहता था लेकिन छोड़ के चली गई, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन कैसा भी हो सकता है ये सब होता है। जितना आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, जितना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, जितना आप शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ेगा और जितनी आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई रहेगी उतना आपका नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है वो कम होगा। इस बात को आप मानते हैं? हाँ। तो अब यहां पर हमने जो है ना चार स्लॉट बनाए आपको समझने के लिए, स्टेजेस है। मान लेते हैं कि 100 साल की जिंदगी है, ऐसा मान लेते हैं, ये पहला स्टेज है 25 साल का, उसके बाद 50 साल का, 75 साल का और 100 साल का, चार स्टेजेस हैं। आपने कभी सुना है ऐसा कि थर्ड स्टेज में से कोई फर्स्ट स्टेज में जाता है या सेकंड स्टेज में जाता है, ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं, नहीं सुना है ना, भरोसा करते हैं क्या? लेकिन आज आपको भरोसा आ जाएगा 100% ऐसा होता है। अगर आप थर्ड स्टेज में है तो आप सेकंड स्टेज में आ सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट स्टेज में तो नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन थर्ड स्टेज में अगर आप हैं तो आप सेकंड स्टेज वाला लाइफ जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो बी लिखा है, बी फॉर बर्थ होता है और डी फॉर डेथ होता है, बराबर। तो जो दुनिया में आया है तो बर्थ है तो डेथ कंफर्म है, मतलब ऐसा नहीं मैं अमर नहीं हूं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ठीक है मुझे लंबी उम्र चाहिए, मैं मांगता हूं सब कुछ है, लेकिन जिंदगी देने वाला तो अल्लाह ईश्वर है, उसके हाथ में, मुझे नहीं मालूम है कितनी मेरी जिंदगी है। लेकिन हमारे शरीर को बचाना अगर है तो उसका ऑक्सीडेशन को बचाना है, उसका जो बिगाड़ हो रहा है, डिटरोरेशन हो रहा है, उसको रुकाना है आपको। अब ये डिटरोरेशन क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर एक एप्पल में काट के अगर आपके सामने ऐसा रखता हूं और वो एप्पल को ऐसा रखेंगे तो क्या हो जाता है, वो काला पकड़ जाए, खराब होता है ना। अगर लोहा भी हवा के वातावरण में रखेगा रखेगा तो सड़ता है कि नहीं सड़ता है, ऐसा शरीर भी हमारा ऑक्सीजन वातावरण के संपर्क में आके उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो खराब होता है, उसका डिटरोरेशन होता है। तो ये शरीर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो 45 स्पीड, जब तक आप 45 साल तक हैं, जब तक आपकी एज 45 है तब तक ये जो खराब होने की जो स्पीड है ना ये 45 है। लेकिन जैसे ही आप 45 क्रॉस कर लेते हैं, यहां पर कितने लोग 45 के ऊपर है, बहुत सारे लोग 45 के ऊपर है ना, तो 45 तक जिंदगी बहुत कुछ दे देती है, लेकिन आपकी जो खराब होने की जो स्पीड है वो 100 के जगह पे आपकी डेढ़ गुना हो जाती है, 150 टाइम्स हो जाती है, ये स्पीड आपकी बढ़ जाती है, बराबर। अब ये आपकी स्पीड जो है, आपको क्या लगता है ये जो स्पीड खराब होने की जो स्पीड है उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? कैसे रोकेंगे? तो वो आज आपको सीखना है यहां पर। अगर खराब होने की स्पीड को अगर आपने स्लो कर दिया तो तब तो आप बहुत ही जबरदस्त आप इंजॉय करेंगे लाइफ को, जो मैं इंजॉय कर रहा हूं। तो यहां पर स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए, देखो मेंटेन करने की बात है, और 100 की स्पीड से जो खराब हो रहा है वो स्पीड कम हो सकती है लेकिन अमर कोई भी नहीं। तो ये स्पीड को कम करने के लिए, इसको 150 के जगह पे 100 ही मेंटेन करने के लिए ये हमारे इस प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं? हाँ।
उसके बाद में इसको एक अलग ढंग से हम सीखते हैं। अलग ढंग से क्या सीखना है, ये जो 25 साल का टाइम रहता है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस लेवल है, टॉक्सिन्स है, लाइफस्टाइल है, ये जब तक आदमी 25 साल का एज में रहता है तब तक उसके अंदर की इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिकार शक्ति जो होती है, वो इतनी जबरदस्त होती है कि अगर 25 साल के आदमी बच्चे को अगर मैं बोलूंगा कि चल तेरे को हेल्थ के बारे में बताता हूं तो वो मुझसे समझने क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉब्लम्स नहीं होता है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू रहते हैं। प्री इलनेस पीरियड उसको माना जाता है, मतलब आज का 25 साल के अंदर के लोगों को भी सर दर्द हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, वो थक रहा है, ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, उसको बुखार हो रहा है, उसको ठंडी हो रही है, उसको सर्दी हो रही है, अलग अलग कुछ ना कुछ होता है कि नहीं होता है। तो ये जो सिम्टम्स यहाँ पर प्री इलनेस जो पीरियड माना जाता है उसमें हमको 25 साल के बाद में जो सिम्टम्स अभी जो मैंने जो कुछ बताया वो हमको शरीर जो है ना बताता है, मतलब सिम्टम्स आते रहते हैं जो छोटा छोटा साधारण साधारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को अगर एक आदमी नहीं मानता है या नहीं ध्यान करता है तो थर्ड लेवल के ऊपर उसको कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती है, और वो बीमारियां कुछ भी हो सकती है, और चौथा लेवल में उसको और ज्यादा भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये ह्यूमन बॉडी जो बनी है इसको 35 लाख साल हो चुके हैं, अल्लाह ने ये जो शरीर को बनाया उसको इतने साल होने के बाद में, डॉक्टर्स का डेवलपमेंट कब से है, 100-200-150 साल से ये सब चल रहा है। उसके पहले क्या था, बॉडी शरीर खुद ऊपर वाले ने जो बनाया है इंटीग्रेटेड, उसके अंदर सब कुछ है। ये जो ग्रीन लाइन जो दिखती है यहां पर, मैंने ये जो बताया जो पहले के जमाने में लोग 100 साल तक भी जीते थे लेकिन उनकी इम्यूनिटी साथ में लेके जाते थे, प्रतिकार शक्ति उनको आखिर तक रहती थी, वो बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज का जनरेशन 25 साल के बाद में एलो जो मैंने दिखाया हूं, इसका मतलब अगर रस्ते के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो एलो सिग्नल आएगा तो भी आप चला सकते हैं, ग्रीन सिग्नल है 25 साल तक तो आप चला सकते हैं, एकदम स्पीड से चला सकते हैं, लेकिन एलो में भी आप चला सकते हैं लेकिन रिस्क रहता है। तो ये 50 साल आते आते आपका एलो लाइन खत्म हो जाता है, उसके बाद रेड आता है, आपको बहुत संभालना पड़ता है। मतलब यहां पर 45-50 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस करके नहीं चलने वाला है, उनको कभी भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो अपने आपको संभालना चाहिए, है ना। तो अब ये एक लाइन में आपको बताने जा रहा हूं, ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं, बहुत जगह मैंने पढ़ा किताबों में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो ये जो ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड जो लिखता है, अगर ये सच है, अगर ये सच है, देखो एक हीलिंग एबिलिटी के बारे में आपको मैं बताऊं कि अगर मैं इस उंगली को ऐसा काट दूंगा, अगर मैं काट दूंगा उसको हल्दी भी नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं लगाऊंगा, तब भी इसका हीलिंग होता है। अगर मेरा अंदर से फिटनेस बराबर है तो हील हो जाएगा, और 15 दिन के बाद में, एक महीने के बाद इधर मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैंने काटा था, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये करता कौन है हीलिंग, अंदर की बॉडी करती है, अपना रेजिस्टेंस पावर करता है, अपनी इम्यूनिटी करती है। तो ये अपना अंदर का डॉक्टर है, अगर बॉडी ये, अगर ये लाइन जो है ऊपर लिखी हुई नीचे लिखी हुई अगर लाइन ये करेक्ट है तो फिर रॉन्ग क्या होता है ये समझना जरूरी है। देखो गलतियां क्या होती है, अगर ये मुझे समझ में आ जाए तो मैं गलती करना बहुत लोग नहीं छोड़ते हैं। मालूम पड़ा कि इधर लिखा है कि 225 वाट्स का है ना, तो एक बार शॉक लगता है लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है, बोलते ये टाइम में बंद होएगा, लाइट गई होगी, तो फिर भी हाथ लगाने को जाता है ना। तो ऐसा हो जाता है, तो रॉन्ग क्या हो जाता है, अगर एक वाइज आदमी के पास में एक जाके अगर हम पूछते हैं कि ऐसा क्या गलत हो जाता है कि ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, फिर भी गलत क्या हो जाता है, तो वो मैन ये बोलता है कि इफ द मैन इज फार फ्रॉम द नेचर ही इज नियर टू डिसीज, बट अ मैन नियर टू नेचर ही इज फार फ्रॉम डिसीज। हम लोगों को क्या हो गया मालूम है, हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, और जितना आप नेचर से दूर होते जाएंगे, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे, उतनी बीमारियां अपने पास आएगी, और जितना नेचर के आप करीब जाएंगे, आप फॉलो करेंगे नेचर से रूल को, उतना हम बीमारी से दूर होंगे, ये एक वाइज आदमी बोलता है। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं, वो सोचने के पहले फिटनेस हर एक आदमी को चाहिए, यहां बैठा हुआ हर एक आदमी फिटनेस चाहता है, लेकिन फिटनेस अब वो हमको फ्री में चाहिए। पहले के जमाने के लोग जो 100 साल जीते थे, 125 साल जीते थे, है ना, और उनको 100% फिटनेस मिलता है, तो मुझे भी फिटनेस चाहिए और फ्री में चाहिए, सबको फ्री में चाहिए, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल सकता, जब पहले मिलता था तो आज भी मिल सकता है। तो फ्री में फिटनेस अगर आपको चाहिए तो आपको फ्रेश एयर में रहना है, सेकेंड लाइन में आपको पोर्टेबल वाटर, आपको पीने लायक पानी पीना चाहिए,
तीसरी लाइन में आप न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार आपका रेगुलर होना चाहिए, आज खाया और आठ दिन नहीं खाया ऐसा नहीं। उसके बाद में सनशाइन में आप रोज खड़ा रहना चाहिए, उसके बाद में एक्सरसाइज आप करना चाहिए, आप अच्छी नींद लेना चाहिए, छह घंटा मिनिमम, आठ घंटा, छह घंटा, बच्चे हैं दस घंटा, मतलब छह से दस घंटा तक तो नींद लेना चाहिए। उसके बाद में हमारी जो थॉट होती है, जो सोच होती है, वो सकारात्मक होनी चाहिए, अच्छी। ये सब चीजें अगर आपके पास में है तो पहले के जमाने के लोग जो अगर 100 साल जिंदगी जीते थे तो आप भी डेफिनेटली फ्री में हेल्थ इंजॉय कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन सिनेरियो कुछ अलग है। सिनेरियो क्या बोलता है कि आज अगर मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं सांस लेना चाहता हूं, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हवा में 10,000 टाइप का केमिकल्स है, मैं ऑक्सीजन मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो मैं सांस लेना चाहता हूं। बराबर, सब लोग सांस लेना, ऑक्सीजन सबको चाहिए। लेकिन अगर हवा में 10,000 टाइप का केमिकल्स है तो मुझे क्या प्योर ऑक्सीजन मिल सकती है? तो आपके आपका कंट्रोल है आपका, क्या आप 100% ऑक्सीजन आपको मिलेगा इस बात का कंट्रोल है आपका? नहीं है। सेकंड चीज जो है ना, पानी में आज बैक्टीरिया वायरसेस है, सब है, पानी मुझे शुद्ध नहीं मिलता है ना। अगर गांव जाएंगे तो पानी शुद्ध मिल सकता है ना, नहीं तो यहां पर मुंबई में तो इम्पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल नहीं है। फूड में पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया सब डालती है। बॉडी एक तरफ से हमारा शरीर से यूरिया बाहर निकालती है और हम लोग क्या करते हैं, खाने के माध्यम से यूरिया अंदर लेते रहते हैं। तो ये सब चलते रहता है, मुझे खाना शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, और इसके अंदर ये जो टॉक्सिन्स है ये उसके अंदर आ रहा है मेरे शरीर के अंदर। बराबर, उसके बाद में और क्या हो रहा है, मेरी थॉट अगर चलो मैं सोच लेता हूं, चलो मैं ऐसा इसमें आया, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, लेकिन मेरे आसपास के लोग सारे नेगेटिव ही बात करते हैं। बराबर, तो मुझे पॉजिटिव सोचने भी नहीं मिलता है, मैं सोचता हूं लेकिन मुझे नेगेटिव लोग ज्यादा करते हैं। तो हमारी सोच बराबर नहीं है। रेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लोगों के पास रेस्ट करने के लिए टाइम रहता ही नहीं है। उसके बाद में एक्सरसाइज मैं करता नहीं हूं, टाइम नहीं है, और सनशाइन में खड़ा रहने के लिए सूरज निकलता है डूब जाता है, हम तो बाहर निकलते ही नहीं है, है ना, हमारा निकलना ही 10 बजे हो जाता है, तो सनशाइन भी हम नहीं लेते हैं। उसके बाद में हमारी हैबिट और लाइफस्टाइल जो है वो बिगड़ी हुई है। क्या लगता है आपको, बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है? देखो, एक अच्छा आदमी होता है और एक बुरा आदमी होता है। आप किससे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं? अच्छे आदमी से अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो बुरा आदमी रहता है उससे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं आप लोग? तो हमारे जब हैबिट और लाइफ स्टाइल अगर बिगड़ी है, हम शरीर को तकलीफ देते हैं, तो शरीर हमारे साथ में अच्छा करेगा? नहीं करेगा। तो हैबिट लाइफ स्टाइल बिगड़े हुए हैं, स्ट्रेस लेवल तो बहुत बड़ा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो भी मेरा स्ट्रेस कम नहीं होता है, मैं चाहूं तो भी मेरा स्ट्रेस कम नहीं होता है, और साथ में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो ये बिन बुलाए मेहमान ये तो हमारे ऊपर अटैक ही करते रहते हैं। होता है कि नहीं होता ये सब? अब ये सब हो रहा है, फ्री रेडिकल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन ज्यादा है, मैं बात कर रहा हूं मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, अंदर ही अंदर मेरे फ्री रेडिकल्स तैयार हो रहे हैं। अगर आग जलती है तो चिंगारी निकलती, दैट इज वेस्ट, दैट इज द फ्री रेडिकल्स। अगर धुआं जल, अगर डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, तो उसमें से जो वेस्ट बाहर आता है, दैट इज द फ्री रेडिकल्स। मतलब सब जगह पे ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अब आपको क्या समझना है कि शरीर के अंदर जो है ना, दो इंपॉर्टेंट बातें होती है। एक तो आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट, कंप्लीट न्यूट्रिशन, संतुलित आहार के बगैर आप अच्छी जिंदगी, अच्छी सेहत आप सोच ही नहीं सकते। क्या बोला मैंने आपको? अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है, 46 टाइप के न्यूट्रिएंट एवरी डे आपके प्लेट में अगर नहीं मिलते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आपको अच्छी सेहत मिलेगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। उसके अलावा अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स डे टू डे जा रहा है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप नहीं करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन के बिना भी आप सेहत नामुमकिन है। अब ये बातों को अगर आप इग्नोर करते हैं कि भाई दो चीज मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन आपका होना चाहिए, अगर इस बात को आप इग्नोर करते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपका सिस्टम जो है अंदर से डिसऑर्डर होगा। और सिस्टम अगर डिसऑर्डर होगा तो अंदर जो है हमारे शरीर के अंदर वो सारी चीजें बनने को शुरू होगी जो जिन चीजों की हमको आवश्यकता नहीं है। किसको किसको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, एलडीएल, किसको किसके कोलेस्ट्रॉल, सबको किसी को चाहिए क्या? लेकिन फिर भी शरीर में बन रहा है। पित्ताशय में स्टोन बनता है, किसको चाहिए? लेकिन अंदर बन रहा है। किडनी में स्टोन बन रहा है, हम कोई बाहर से नहीं डालता है, कोई अंदर बनता है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये बाय प्रोडक्ट
हम अगर इग्नोर करते हैं, हम अगर नहीं समझते इन बातों को, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हैं, खाना हमारा बराबर नहीं है, तो ये सारी चीजों को हमको फेस करना है, बराबर ना। अच्छा, अब ये करने के बाद आगे क्या होगा, हमारा जो भी ऑर्गन है, जो भी हमारा सिस्टम है, अलग अलग जो ऑर्गन है उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है और आपका हेल्थ लॉस होता है। तो मैंने यहां तक आपको यह बताने की कोशिश किया कि आपका हेल्थ किस तरह से लॉस होता है। अभी लॉस होने के बाद में दिखता कैसा है, yeah।